राजनीति से रोजगार तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, आपके साथ सच की बात परमार्थ आवास पर। अगले वर्ष जल्दी आने की कामना के साथ नमाको से गणपति बप्पा को दी गई विदाई। आपको बता दें, पाली हरदोई अंतर्गत नगर में कई दिनों से चल रहे गणेश महोत्सव में काफी संख्या में लोगों ने शामिल होकर भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद लिया। दूर दराज जिले से आए कलाकारों ने अपने द्वारा दिखाई गई झांकियों से लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंतिम दिन शनिवार को गाजाबाजी के साथ नगर के विभिन्न मोहल्लों से होते हुए गणपति बप्पा मोरिया के नारों और रंगों की होली के साथ गणपति की मूर्ति का विसर्जन किया गया। आपको बता दें, विसर्जन गरुण गंगा नदी तट पर किया गया। विसर्जन के दौरान लोगों ने जमकर भगवान श्री गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाए और सैकड़ों की संख्या में युवा भजनों पर तिलकते भी नजर आए। आपको बता दें कि नगर के मोहल्ला खुरा कुआं में स्थित भूदर वाली मटिया दुर्गा मंदिर पर गणेश महोत्सव प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मनाया गया। कमेटी के द्वारा गणेश महोत्सव को भव्यता प्रदान करने के लिए बड़ी कोशिश की गई, जिसकी नगर के लोग काफी सराहना भी कर रहे हैं। वही थाना पाली पुलिस व थाना पचदेवरा पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के प्रति काफी सतर्क व चौकन्ना दिखाई दी। आपको बता दें, पाली थाना प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार शुक्ला तथा पचदेवरा थाना प्रभारी निरीक्षक विद्यासागर पाल अपनी पुलिस टीम के साथ पूरी तरीके से सतर्क दिखाई दिया। पुलिस ने हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी। सवाईजपुर तहसील संवाददाता अभिषेक ठाकुर की खास रिपोर्ट।